नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आप सबका स्वागत करता हूं स्टॉकबॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर के कुछ बेहतरीन आर्टिकल्स और बिल्कुल सिंपल भाषा में डिकोड करने की कोशिश करें। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से, ये है आईटी सेक्टर के बारे में। आप देखेंगे निफ्टी 19,000 क्रॉस कर चुकी है, बैंक निफ्टी भी 45,000 क्रॉस कर चुकी है। बहुत ही अच्छा मूवमेंट चल रहा है इस वक्त मार्केट में, बहुत बुलिश मूवमेंट चल रहा है, लेकिन पार्टिसिपेशन आईटी की तरफ से अभी भी बहुत कम है। आप देखेंगे बैंक्स का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है और भी इंडस्ट्रीज का पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा है, लेकिन अब एक और रिपोर्ट आई है कुछ कह सकते हैं ब्रोकर्स की तरफ से और एनालिस्ट की तरफ से। उनका ये कहना है कि ये जो हेडविंड्स हैं इस वक्त स्ट्रॉन्ग माइक्रो इकोनॉमिक, इसकी वजह से टर्बुलेंस रहने वाला है इंडियन आईटी इंडस्ट्री में, क्योंकि ये जो टर्बुलेंस है अभी भी काम नहीं हुए। जैसे कि टॉप इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनी, ये इस बार भी डिक्लाइन या मार्जिनल ग्रोथ, मतलब एकदम फ्लैट ग्रोथ, ना के बराबर ग्रोथ पोस्ट कर सकती हैं इस क्वार्टर। अब ये कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर जो है ये सीजनली स्ट्रांग रहेगा आईटी फर्म्स के लिए, लेकिन आप यहाँ पर देखें कि अलग अलग आईटी फर्म्स हैं जहाँ पर अभी भी जो मोमेंटम है उसे कोई बहुत बुलिश तो नहीं माना जा रहा, लेकिन उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक्चुअली फ्लैट मूवमेंट रहने वाला है। मतलब फ्लैट मूवमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रहने का मतलब ये है कि आप देखेंगे रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, मार्जिन जिसे हम कहते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही फ्लैट रहने वाली है इंडस्ट्री ग्रोथ। अब एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पर एग्जांपल है जैसे कोटक सिक्योरिटी ने कहा है, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने, कि रेवेन्यू है डिक्लाइन होने वाला है दो कंपनीज के लिए, विप्रो और टेक महिंद्रा, और फ्लैट रहने वाला है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए, और मार्जिनली ग्रो करेगा 1% फॉर प्लेयर्स लाइक ISEL टेक और इन्फोसिस। तो ये बहुत ही कह सकते हैं कि फ्लैट ग्राफ रहने वाला है, गिरावट भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी एंड ग्रोथ भी नहीं होने वाली। ग्रोथ की तो यहाँ पे आशंका बहुत कम बताई गई है। इन्होंने कहा है कि बिलीव करते हैं कि जो ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर ये लो सिंगल डिजिट्स में आ जाएगा हाई सिंगल डिजिट से। तो हाई सिंगल डिजिट आप कह सकते हैं 9% है, 9.99% है अगर, तो ये लो सिंगल डिजिट्स में आएगा यहाँ पर, और वीक डिस्कशनरी स्पेंडिंग में, क्योंकि आईटी तब मूव करता है जब बाकी इंडस्ट्री स्पेंड करती हैं आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, इसकी डिमांड तब बढ़ती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज, टेलीकॉम और हाईटेक ये जो है ये कंट्रीब्यूट करेंगे वीक ट्रेंड, और US डॉलर ग्रोथ जो है यहाँ पर भी अफेक्ट कर सकता है इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स परफॉर्मेंस को, कोटक के एनालिस्ट का कहना है। जो ICICI सिक्योरिटीज के एनालिस्ट है उन्होंने कहा है कि वीक डिमांड एनवायरमेंट है, पर इसकी वजह से जो ग्रोथ है ये ड्रैग होगा नीचे। मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स, ये दोबारा इस शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, जो की इंडस्ट्री वर्टिकल्स हैं जैसे कि बैंकिंग, हाईटेक, और की जियोग्राफीज जैसे कि US और यूरोप, जहाँ पर आप देखेंगे कि हाई इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन अभी काफ़ी ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी डिमांड जो है ये डिले हो रहा है यहाँ पर, इसकी वजह से इंडियन आईटी सेक्टर की ग्रोथ पे असर पड़ने वाला है, और वो आगे भी इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स परफॉर्मेंस में कोई ज़्यादा बड़ी ग्रोथ नहीं देखते, नहीं एक्सपेक्ट करते हैं। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि इस वक्त भी अब आईटी का पार्टिसिपेशन आप देखें तो बहुत कम है, ना के बराबर है। एक या दो दिन ऐसा हुआ है जहां आईटी में अच्छी बूज देखी गई, आईटी निफ्टी आईटी की अगर बात करें, लेकिन कोई बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन नहीं। अब आते हैं HDFC बैंक और HDFC की मर्जर की खबर पर। अब ये बन चुका है इंडेक्स का एक बहुत ही बड़ा हैवी वेट। आप देख सकते हैं कि इस न्यूज़पेपर में इन्होंने एक हमें चार्ट के थ्रू भी समझाने की कोशिश की कि रिलायंस किस तरीके से इसका वेटेज निफ्टी और सेंसेक्स पर देखें, इसका जो वेट है ये है 12% और 10.3%। वैसे ही HDFC बैंक का निफ्टी और सेंसेक्स पर देखें, सेंसेक्स पर इसका वेट है 9.9%, निफ्टी पर इसका वेट है 8.8%, और साथ में HDFC का अलग से आप चेक करें तो सेंसेक्स पर 6.8% और निफ्टी पर 6%। अगर ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो आप देखिए कि इनका वेटेज जो है ये अच्छा खासा होने वाला है, सेंसेक्स पर होने वाला है 16.7% और 14.8% निफ्टी पर। लेकिन जो मर्ज HDFC बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 14.7 ट्रिलियन रुपी, ये RIL से कम ही होगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी भी इंडिया की सबसे बड़ी ग्रुप होगी, सबसे बड़ी कंपनी होगी, जिसकी वैल्यूएशन है 17.3 ट्रिलियन रुपी। लेकिन अब HDFC TCS से बड़ी हो चुकी है, तो बहुत अच्छी खबर है जो भी स्पेशली लोग बैंक्स पे इस वक्त बुलिश हैं। एंड HDFC का वेट आप देख सकते हैं अच्छा खासा हो गया, तो अब इसका मतलब अगर HDFC और रिलायंस अगर मूव कर रहे हैं तो पूरा इंडेक्स इधर से उधर मूव कर जाएगा, क्योंकि इन दोनों का मिलाकर 25% से भी ज़्यादा का आप कह सकते हैं वेट है पूरे इंडेक्स में, निफ्टी में भी और सेंसेक्स में भी। तो आप जो भी निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं उन्हें स्पेशली रिलायंस और HDFC के मूवमेंट्स पर भी खासा ध्यान देना होगा, ताकि वो
देख पाए, असेस कर पाए कि ऐसा ना हो कि उनके जो ट्रेंड्स हैं एक्सपेक्टेड उनके अगेंस्ट ये दोनों स्टॉक्स मूव कर रहे हो, क्योंकि अगर ये दोनों स्टॉक्स नहीं मूव करते तो इंडेक्स में भी बहुत अच्छी मूवमेंट आप नहीं देख पाएंगे। अब इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। आप ये सोचिए कि अब इंडेक्स और अब जो भी सेंसेक्स है हमारा निफ्टी है, इसमें रिलायंस और HDFC इतने बड़े आप कह सकते हैं मेजॉरिटी इन्होंने शेयर ले लिया है कि इन दोनों पर अब डिपेंडेंट हो गया हमारा इंडेक्स। तो क्योंकि 25% सिर्फ दो कंपनीज का होना है, इसका मतलब ये कि ये दो कंपनीज हिला सकती हैं। एक नेगेटिव न्यूज़ अगर किसी स्टॉक के बारे में आए, कोई अफवाह ही आए, तो हमारे पूरे इंडेक्स में आप देख सकते हैं बहुत ही वॉलिटिलिटी देखी जा सकती है आगे, अगर इतना बड़ा वेट रहा। और ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं, अगर आप US में भी देखें तो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला जैसी कंपनीज बहुत ही बड़ा वेटेज कमांड करती है अपने अपने इंडेसेस में। और स्पेशली मैं टेस्ला को यहाँ इग्नोर करने को आपको कहूँगा, लेकिन आप दूसरी कंपनीज अगर देखें, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, तो इनका अच्छा खासा वेटेज है, अच्छा खासा डोमिनेंस है, और ये भी इंडेक्स मूव कर देता है पूरी तरीके से। तो सिर्फ इंडिया में ही ऐसा नहीं है, और हमारे यहाँ आप जानते होंगे कि ये रूल भी है कि एक कंपनी का वेटेज कभी भी एक लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन HDFC अभी उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर पाया है। आई थिंक ये 33% है हमारे इंडेक्स में, एक कंपनी 33% से ज़्यादा नहीं ले सकती। एंड आगे अगर इसी तरीके से इनका ग्रोथ बहुत बढ़ता रहा तो मे बी ये वेट और इंक्रीज हो, तो ये आप ये कह सकते हैं यहाँ पर ये लिमिटेड नहीं। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।